आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि क्या रानी पद्मिनी का जौहर एक काल्पनिक कथा है या फिर एक ऐतिहासिक सत्य। देखिए, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कविताओं में रानी पद्मिनी की झलकियां सहज मिल जाती हैं। गदर्वसेन और चंपावती की पुत्री पद्मिनी बचपन से बहुत सुंदर थी। बचपन में उनका समय हीरामणि नाम के एक बोलने वाले तोते के साथ बीतता था। जैसे जैसे पद्मिनी बड़ी होने लगी वैसे वैसे उसकी खूबसूरती भी बढ़ती गई। फिर उनके पिता ने उनका स्वयंवर रचाया जिसे राजा रतन सिंह ने जीत लिया और पद्मिनी को चित्तौड़ की रानी बना दिया। रानी पद्मिनी चित्तौड़ आ गई और अपने महल में सुख से रहने लगी। राजा रतन सिंह के दरबार में अनेक फनकार मौजूद थे जिसमें से एक था राघव चेतन। वो संगीतकार होने के साथ साथ जादूगर भी था और अपनी प्रतिभा का गलत उपयोग करता था। राजा रावल सिंह इस बात से अनजान थे, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला तो फौरन उन्होंने राघव चेतन को अपने दरबार से निष्कासित करके उसका मुंह काला करवाकर उसे राज्य से निकाल दिया। इस घटना के बाद राघव चेतन राजा रावल सिंह का दुश्मन बन गया और फिर दिल्ली जाकर उसने अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया और रानी पद्मिनी की सुंदरता का गुणगान करने लगा, क्योंकि उसे खिलजी की कमजोरी पता थी। इससे खिलजी के मन में वासना की जो जागृति है वो हो गई। उसने चित्तौड़ में प्रवेश किया और धोखे से रानी को देखना चाहा। वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गया और फिर उसने छल के साथ राजा को बंदी बनाया, लेकिन वीर सैनिकों के साथ से राजा मुक्त हो गए और पद्मावती का भी उसमें योगदान था, रानी पद्मिनी का। लेकिन एक बार फिर खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और लड़ते लड़ते राजा रावल सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। यह खबर जैसे ही रानी पद्मिनी को लगी तो उन्होंने एक विशाल अग्नि में कूद कर अपनी जान दे दी। उनका जौहर उनकी अस्मिता को बचाने के लिए था। कई इतिहासकार कहते हैं कि कहानी मनगढ़ंत है और राजपुताना शौर्य को उत्तेजित करने के लिए लिखी गई है। अब सत्य क्या है ये इतिहास के पन्नों में कहीं कैद है, जिसपे अभी भी खोज जारी है। पर फिल्म इसके नाम पे रिलीज हो चुकी है, फिल्म की कहानी आपको हकीकत पता ही है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।